जमशेदपुर में एक ही घर से तीन लोगों की लाश मिलती है। लाश एक लेडी कांस्टेबल, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी एक बेटी की है। अब चूंकि कत्ल एक पुलिस वाली का था, लिहाजा पुलिस कातिल की तलाश में जोशो खरोश से जुट जाती है। मगर जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो बाकी पुलिस वालों की तो छोड़िए, खुद पुलिस कप्तान भी हैरतअंगेज रह जाते हैं। दरअसल जिस कातिल को वो लगातार ढूंढ रहे हैं, वो कातिल ठीक लगातार उन्हीं पुलिस वाले कप्तान के साथ घूम रहा है। जमशेदपुर पुलिस लाइन में रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोग पिछले दो तीन दिन से अचानक कहीं गायब हो गए हैं। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ है, लेकिन फिक्र की बात यह है कि बंद घर से तेज बदबू क्यों आ रही थी। आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी के शक के दायरे में उनके रिश्तेदारों को खबर दी और पुलिस को भी इतला दे दी। आनंद फानों ने पुलिस मौके पर पहुंची, फ्लैट का ताला तोड़ा गया, लेकिन अंदर का मंजर खौफनाक था, क्योंकि घर के अंदर से तीन लाशें पड़ी हुई थीं, और वो भी महिला पुलिस कांस्टेबल सविता हिरमन, उसकी बुजुर्ग मां लखिया मुर्मू और उसकी 13 साल की बेटी गीत हिमरन की लाशों के पास खून की धार बहकर अब सूख चुकी थी। लाशों को देखकर लग रहा था कि कम से कम दो से तीन दिन पहले कत्ल किए गए थे। बहरहाल पुलिस ने लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चूंकि वारदात में मारी गई महिला सविता हिमरन का ताल्लुक खुद पुलिस महकमे से था, इसलिए पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सविता के पति एक साल पहले उनके पति एक नक्सली हमले में मारे जा चुके थे, मौत हुई थी। उनके पति की मौत के बाद उन्हें पुलिस महकमे की नौकरी मिल गई थी। सविता इन दिनों जमशेदपुर के एसएसपी ऑफिस में ही तैनात थी। पुलिस को पता चला कि सविता जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार के ड्राइवर रामचंद्र सिंह जामुदा से प्यार भी करती थी। हालांकि रामचंद्र सिंह जामुदा पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद सविता के साथ न सिर्फ अच्छे रिश्ते थे, बल्कि कई बार वो रात को भी सविता के फ्लैट पर ही रुक जाया करता था। मगर हैरानी की बात ये थी कि इतना करीब होने के बावजूद रामचंद्र को सविता की मौत की कोई खबर क्यों नहीं लगी, और वो सविता और उसके पूरे परिवार की मौत से बिल्कुल बेखबर होकर एक सामान्य जीवन जी रहा था। एसएसपी के साथ ड्राइवर की ड्यूटी भी कर रहा था। पुलिस को इस बात की हैरानी हुई। पुलिस ने जमुदा के मोबाइल नंबर की डिटेल निकाली, छानबीन हुई तो शक और गहरा हुआ, क्योंकि रामचंद्र 19 जुलाई से पहले लगातार सविता से बात कर रहा था, लेकिन 19 जुलाई से दोनों की बातचीत अचानक से बंद हो जाती है, और इत्तेफाक ये भी था कि वो तारीख वही थी जिसके बाद किसी ने सविता को जिंदा नहीं देखा। अब पुलिस ने बिना देर की एसएसपी के ड्राइवर रामचंद्र जमुदा को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। तो पहले तो रामचंद्र ने तमाम झूठी झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में पुलिस के सामने वो भी मजबूर हो गया और टूट गया, और उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि ये तीनों ही कत्ल उसने किए हैं। 19 जुलाई की रात को वह सविता के घर पहुंचा था और वहीं सविता से उसकी लड़ाई हुई थी। इसके बाद उसने आधी रात को गाड़ी के गियर लीवर से वार करके सविता की जान ले ली, और फिर जब माँ की चीख पुकार सुनकर सविता की 13 साल की बेटी बचाने आई तो रामचंद्र ने उसे भी उसी गियर लीवर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबूत मिटाना जरूरी था, इसलिए सबूत मिटाने की वजह से उसने सविता की बुजुर्ग माँ को भी मार डाला। कत्ल के बाद रामचंद्र तीन तीन लाशों के साथ फ्लैट में ही छुपा रहा। वो सुबह होने का इंतजार भी कर रहा था और इस मामले से बचने की तरकीब भी सोच रहा था। सुबह होते होते बाहर निकला और घर की चाबी से फ्लैट को बाहर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो खून से सना हुआ गियर लीवर लेकर अपने खून से सने कपड़ों के साथ सीधे शहर के दोमुही इलाके में पहुंचा, और जहां उसने नदी में नहाने के साथ ही अपने कपड़े बदल लिए और फिर वहीं से घर चला गया। ताज्जुब की बात तो ये रही कि सुबह कुछ ही देर बाद वह तैयार होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया और एसएसपी की गाड़ी चलाता रहा।
हालांकि जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो न सिर्फ उसने अपना जुर्म कबूल किया बल्कि उसकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल किया गया गियर लीवर और खून से सने कपड़े भी बरामद करवा दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि रामचंद्र जमदा ने अपनी गर्लफ्रेंड सप्ता की जान क्यों ली, उसमें सप्ता की ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी, दोनों के बीच उस रात लड़ाई की आखिर वजह क्या रही होगी। तो जब जांच आगे बढ़ी तो इसका भी जवाब सामने आया। पुलिस के मुताबिक सप्ता की मुलाकात कुछ महीने पहले एक सुंदर टुड्डू नाम के एक लड़के से हुई थी। इसके बाद से सप्ता रामचंद्र से दूरियां बनाने लगी थी, यानी कटी कटी रहने लगी थी। उसकी सुंदर टुड्डू से लंबी लंबी बात होती थी। रामचंद्र को इस बात की खबर थी और वो सुंदर से पीछे छुड़ाने के लिए उसकी जान भी लेना चाहता था, क्योंकि इश्क और मोहब्बत में जलन एक वजह होती है। इसी के तहत 19 जुलाई की रात को सुंदर सविता के घर आने वाला था और रामचंद्र वहां पहले ही पहुंच गया था ताकि वो सुंदर की जान ले सके। लेकिन किसी वजह से सुंदर उस रात वहां नहीं पहुंचा, मगर रामचंद्र की सविता से सुंदर को लेकर लड़ाई जरूर हो गई। इसके बाद उसने 3 कत्ल कर डाले। हैरानी की बात यह रही कि कत्ल ऐसे शख्स ने किए जो खुद पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ था और वो भी जिले की सबसे बड़े पुलिस अधिकारी SSP के साथ दिन भर साइकिल रहता था और अनगिनत जुर्म के मामले भी सामने देखता था और उन्हें समझता भी था और ये भी जानता था कि उसका अंजाम भी क्या होगा। इसके बावजूद भी न सिर्फ उसने 3-3 लोगों की जान ली बल्कि कत्ल के बाद पुलिस की ड्यूटी करता रहा और SSP महकमे को पूरी तरह गुमराह भी करता रहा।